हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। आई एम सुजीत कुमार, मैं परमेश्वर का दास आप सभी का स्वागत करता है एक और नए वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना मेरे प्रियजनों। समय कम है और दिन बुरे हैं मेरे प्रियजनों। आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हुए हो, घबराए हुए हो, तो आज आपको यीशु मसीह से बोलना है, परमेश्वर से बोलना है। मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा हर एक बंधनों से, हर एक शराब के बंधनों से, जादू टोनों से, हर एक महामारियों से, गिल्टी रसौलिया पथरिया ट्यूमर से। मेरा परमेश्वर आपको बचाएगा। आप तैयार हैं अपने बंधन खुलवाने के लिए? आप तैयार हैं आशीष लेने के लिए? मेरा परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह ने हम सभी से प्रेम किया है। उसने इतना प्रेम किया, इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाए, व्यस्ती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में किले ठोकी गई, 39 कोड़े लगवाए गए, सिर्फ हम सभी मानव जाति के खातिर, सिर्फ हम सभी मानव जात के खाते। वो पवित्र परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है। अभी सुधर जाओ, अभी सुधर जाओ, अभी टाइम है मेरे प्रियजनों। बहुत सारे लोग चिल्लाते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है, मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। कैसे सुनेगा? आपका जीवन पाप में भरा है। अरे बहुत सारे लोग बोलते हैं, दुनिया के लोग बोलते हैं, यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। क्या आप अपने आप को पवित्र करते हो? यीशु मसीह ने कहा यशायाह की पुस्तक में, तुम्हारे पाप छिपे रहते हैं, तुम्हारे हाथ खून से भरे हैं, तुम्हारे मुंह से गालियां निकलती हैं, आपस में लड़ाई करते हो, झगड़ा करते हो और बोलते हो प्रभु मेरी प्रार्थनाओं को नहीं सुनता है। यीशु ने कहा है अपने अपराधों को मानो और छोड़ो और पवित्रता का जीवन जियो, मैं तुम्हारी प्रार्थनाओं को सुन के उत्तर दूंगा। और बोलेगा, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, मैं तुझे चंगाई देने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुझे चंगाई दूंगा, मैं तेरी प्रार्थनाओं का फल तेरी गोद में दूंगा, तेरे परिश्रम का फल तेरी गोद में आ जाएगा, तेरी प्रार्थनाओं का फल तेरी गोद में आ जाएगा। मैं यहोवा परमेश्वर हूँ, यर्दन नदी को चट्टान बना के खड़ा करने वाला मैं परमेश्वर हूँ। परमेश्वर भाई आपसे बोल रहा है, वो जिंदा है, वो जीवित है, तभी आपसे बोल रहा है। आप क्यों चिंता करते हो? क्यों रो रहे हो? क्यों चिल्ला रहे हो? क्यों टेंशन डिप्रेशन में चले गए हो? मेरा यीशु मसीह आपको छुड़ाएगा। आपको विश्वास के साथ इस प्रार्थना को सुन लेना है। यह फायर प्रेयर, यह शक्तिशाली प्रार्थना आपके बंधन को तोड़ेगी, आपको आजाद करेगी, मुक्त करेगी शराब से, जादू टोनों से, नशों से, पाप से, व्यभिचार से। मेरा परमेश्वर आपको छुड़ाएगा, आजाद करेगा। वो जीवित परमेश्वर है, वो यीशु मसीह आपसे प्यार करता है। मेरा परमेश्वर स्वर्ग से, मेरा परमेश्वर आपके कामों को सफल कर देगा। वो सफल करने वाला परमेश्वर है, आपके कामों को सफल कर देगा, आपके कामों को सफल करेगा। मेरे प्रियजनों, यदि आपकी शादी नहीं हो रही है, नौकरी की तलाश में हो, कामों में सफलता नहीं मिल रही है, जॉब नहीं मिल रही है, काम नहीं मिल रहा है, जमीन खरीदने के लिए पैसा नहीं है, मेरा परमेश्वर आपकी देख रेख करेगा। देख रेख करने वाला परमेश्वर है, देख रेख करने वाला परमेश्वर है। वो जीवित है, उसकी करुणा सदा की है। मेरा प्रभु आपसे प्यार करता है। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्यार किया, उसने कोड़े खाए, मार खाए, व्यस्ती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैरों में कीले ठोके गए, 39 कोड़े लगवाए गए, मुंह पे थूका गया, सिर का पिलाया गया, उसका हार्ट फट गया, उसके पसली में बाला भोंक दिया गया, सिर्फ हम सभी के खातिर। मेरे प्रभु, उसने हम सभी से प्यार किया है, इतना प्यार किया, इतना प्यार किया, उसने जान दे दिया। प्यार बलिदान को दर्शाता है, प्रेम लेता नहीं, प्रेम देता है। जैसा प्रभु ने कहा है, भजन संहिता के अध्याय के वचन में लिखा हुआ है, क्या ही धन्य है पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता है, ना तो हंसी ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है, क्योंकि वह तो यहोवा की व्यवस्थाओं से प्रसन्न रहता है। मेरे प्रियजनों, धन्य और पवित्र उस पुरुष को यीशु मसीह ने कहा है, जो ना पापियों के मार्ग में बैठता है, जो हंसी ठट्ठा करने लोग हैं, संसारिक लोग हैं, उनके बीच में वो नहीं बैठता है, वो भय रहता है उसके अंदर प्रभु का, क्योंकि वो परमेश्वर की व्यवस्था पे चलता है, उसको पवित्र कहा है, क्योंकि वो प्रभु की आज्ञाओं को मानता है। मेरे प्रियजनों, अपना उठना, अपना बैठना, अरे चेंज कर दो, अपना उठना बैठना चेंज कर दो, मेरा परमेश्वर आपको चंगाई देगा और स्वर्ग से बोलेगा, बेटा मैं तेरा परमेश्वर हूँ और तेरे कामों को मैं सफल करूंगा। मेरे प्रियजनों, प्रभु आपके कामों को सफल करेगा, आपके कामों को सफल कर देगा। आप क्यों चिंता करते हो?
क्यों परेशान हो, क्यों उदास हो, क्यों निराश हो। यीशु मसीह आपके कामों को सफल करेगा। इस प्राणों को विश्वास के साथ सुन लेना और अपने मसीह भाइयों के पास शेयर कर देना और देखना मेरा परमेश्वर कैसे बड़े मिराकल करता है। मिराकल मिराकल के ऊपर मिराकल करता है, चमत्कार के ऊपर चमत्कार करता है। आपके पापों को, आपके गुनाहों को यीशु मसीह क्षमा करेगा और क्षमा के योग्य है। इस प्राणों को लास्ट तक सुनिए, हम चले प्रभु को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया 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 हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके नाम की स्तुति करते, आपके नाम की तारीफ करते, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। मेरे पिता जो आपने हम सभी को जीवतों के बीच में पिता जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, मेरे परमेश्वर मैं आपका कोटि कोटि धन्यवाद करता। मेरे राजाओं के राजा, मेरे परमेश्वर, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे मेरे पिता, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से वे बिछड़ गए होंगे पिता, वे एक ऐसे स्थान पर चले गए होंगे पिता जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते। मेरे पिता जो आपने हम सभी को जिंदा रखा है, संभाल के रखा है पिता, आपने कहा है मैंने तुझे माता के गर्भ से चुना है, तू मेरा पुत्र है, तू मेरी पुत्री है, आए मेरे पुत्र, आए मेरी पुत्री हो। मेरे पिता परमेश्वर जो इस वक्त इस प्राणों को पूरे विश्वास का सुने और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करें। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो गरीब हैं, जो लाचार हैं, जो परेशान हैं, जो अपने काम में सफलता नहीं पा रहे, अपनी गरीबी से टूट चुके हैं, चिंताओं में उदास हो चुके हैं, डर चुके हैं, यीशु के नाम में मेरे पिता परमेश्वर ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे राजा आपके पीछे हैं, आप इनका जीवन संभालिए पिता परमेश्वर। टूटने बिखरने ना पाए पिता, आपका वचन कहता है मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे खोल दिए जाएंगे आशीष के दरवाजे। मेरे पिता परमेश्वर में मांगता ढूंढता खटखटाता इन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए मेरे परमेश्वर, इनकी गरीबी, इनकी तंगी, इनकी परेशानी यीशु नासरी के नाम में चली जाए, दूर हो जाए। विल बी इन द नेम ऑफ जीसस, इन जीसस नेम, यीशु के नाम में इनकी गरीबी जाए, इनकी तंगी जाए, इनकी परेशानी जाए, रोना बिलखना चिल्लाना बंद हो जाए, इनके घर से दुष्ट आत्मा यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता परमेश्वर। जिन घर में लड़ा झगड़े होते हैं दुष्ट आत्माओं के बंधने, पति पत्नी में लड़ा झगड़ा होता है, पर परमेश्वर यीशु के नाम में हर एक लड़ाई झगड़े की गंदी आत्मा निकल जाए, निकल जाए, निकल जाए। यीशु के नाम में हर एक लड़ाई झगड़े को पैदा करने वाली गंदी आत्मा निकल जाए। शांति की आत्मा, शांति के राजकुमार यीशु पापा, आपकी शांति इन मसीह बहनों के जीवन में आ जाए, आ जाए, आ जाए। यीशु नासरी नाम में मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, उन मसीह भावनों के लिए मेरे परमेश्वर, पिता परमेश्वर जो हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जो खाट पे पड़े हैं, जो बेड पे पड़े हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बिलख रहे हैं, उनको कोई आंस की किरण नजर नहीं आ रही मेरे राजाओं के राजा, हे अब्बा, हे पिता, हे या नासरी पिता, मेरे परमेश्वर इनके आंसुओं को पोंछ दे। जिन्हें गिल्टियां हैं, रसोलियां हैं, पथरियां हैं, ट्यूमर है, पथरियां बार, रसोलियां बार, कैंसर बार, जो हॉस्पिटल में एडमिट है इनकी चंगाई दीजिए पिता, ये चंगे हो जाएं, बीमारियां जाएं, बीमारियां जाएं यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता उन बहनों के लिए पिता, जिन बहनों की कोखें बंद पड़ी हैं, मेरे परमेश्वर इस सामर्थ्यवान प्रार्थना से इनके पिता गर्भ खुल जाए मेरे परमेश्वर। पिता परमेश्वर आपका वचन कहता है लड़के यहोवा देता है, गर्भ का फल यहोवा ही देता है मेरे परमेश्वर। यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में मेरे परमेश्वर इनके गर्भ फलवंत हो जाए, इनके गर्भ फलवंत हो जाए, बच्चे की आशीष आए, बच्चे की आशीष आए। यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करता मेरे परमेश्वर, जो नौकरी की तलाश में, जो जॉब की तलाश में भटक रहे हैं, जॉब की तलाश देने वाले परमेश्वर जॉब दीजिए, नौकरी दीजिए, बिजनेस दीजिए मेरे परमेश्वर। जिन कामों में सफलता नहीं मिल रही है, जो काम बंद पड़ा है, जो नौकरी बंद पड़ी है, जो दुकान बंद पड़ी है, यीशु के नाम में फिर से खुल जाए और बंद आशीष के दरवाजे खुल जाए। ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओपन द डोर, यीशु के नाम में बंद दरवाजे खुल जाए, यीशु नासरी के नाम में। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ मसीह भाइयों के लिए पिता, जो मसीह भाई रात में नहीं सो पाते हैं, जिन्हें डर लगता भलगता, प्रभु आपका वचन कहता है जब तू लेटेगा तब तू भाई न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तेरे सुख की नींद आएगी, अचानक आने वाले भाई से न डरना। मेरे पिता मुझे आशा विश्वास है आपने प्राणों को सुनना है, ये छोटी स्मृति उद्धार करता यीशु नासरी के नाम में मांगते हैं, सुनिए और कबूल करेगा। आमीन।